जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले को रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता देकर वीवीआईपी कल्चर को मुंह चढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आते ही अधिकारियों और मंत्रियों की गाड़ी से लाल और नीली बत्तियां उतरवाकर सीएम योगी ने भी सख्त निर्देश दिया था कि वीआईपी कल्चर नहीं चल पाएगा। उसी क्रम में एक कदम आगे बढ़ते हुए जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन ने जनता दर्शन के दौरान अपने चैम्बर में बैठकर अपनी कुर्सी पर बैठकर फरियादियों की फरियाद को ना सुनकर वो सीधे अपने चैम्बर से उठती हैं, फरियादियों के बीच में जाती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं और वहीं से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी करती हैं। अब ये बात अलग है कि फरियादी चाहे 10 हों, चाहे 100 हों, चाहे 500 हों, चाहे 1000 हों, सबकी बातें एक एक कर जिलाधिकारी द्वारा सुना जाता है और उनकी समस्या का निराकरण करने का निर्देश भी दिया जाता है। अपने बीच में जिलाधिकारी को पाकर शिकायतकर्ता भी काफ़ी सहज फील करते हैं और उनको न्याय का एक अलग दीप उनके अंदर जग जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। अजय, आप यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ आए थे, क्या उस मामला उसका निस्तारण किया गया नहीं किया? हाँ जी, मैं आया हूँ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ और हम लोग बाहर खड़े हुए, काफ़ी गैदरिंग है बाहर, और उसके बाद डीएम मैडम निकल के आई और एक एक लोगों की समस्याएं सुनती रहीं और फिर हमारे लिए भी उन्होंने टाइम निकाला, हमारी बातों को भी उन्होंने सुना और संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया और आश्वस्त की कि जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाएगा। और बस्ती जिले को ऐसा जिलाधिकारी महोदय मिली हुई है तो ये बस्ती का अच्छा भविष्य देने की एक कल्पना है और अच्छा भविष्य होगा बस्ती का, ऐसी अधिकारी मिली हुई हैं। आज यहाँ पे जिलाधिकारी के यहाँ आए थे, क्या कुछ मामला है? मैं जिलाधिकारी के लिए कुछ हमने लीडरशिप को लेकर के आया था, कुछ काम था तो जिलाधिकारी है, बहुत सी भीड़ भी थी। जिलाधिकारी अपने चैम्बर से उठी और सैकड़ों लोगों के बीच में आकर उनकी जन समस्याओं को सुना और मुझसे भी मुखातिब हो गए। उन्होंने कहा कि जो भी आपकी समस्या है उसको दूर किया जाएगा और जो भी समस्या थी उस संबंधित अधिकारी को तुरंत निर्देशित भी किया है। और बस्ती जिले के ये सौभाग्य की बात रही है कि इस तरह का मतलब जो जिलाधिकारी आए हैं और जन समस्या को सुन रही हैं और तुरंत उसका क्या नाम है उस पर एक्शन लिया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा इस तरह से कार्य किया जा रहा है। अधिकारी बाहर आए और लोग जो खड़े थे उनके बीच में आए और खड़े होकर के उनसे एक एक करके उनसे उनकी समस्याओं को पूछा और उनको निस्तारण करने का भी अधिकारी को निर्देश दिया। क्या आपकी समस्याओं को निराकरण हो पाया है? नहीं पाया अभी। संबंधित अधिकारी को उन्होंने तुरंत क्या नाम है फोन करके उनको ज्ञात किया है, बताया है कि जो भी इनका जो समस्या है उसको तुरंत क्या नाम है इसका निस्तारण किया। भी लोग थे, जितने भी आए थे लोग रहे होंगे लगभग उस समय जब हम आए तो उस समय 25-30 की संख्या में भीड़ मौजूद थी। सबकी समस्याओं को उन्होंने धीरे धीरे करके सबको सुना और सबकी समस्याओं का उनको आश्वासन भी दिया कि आपकी समस्या का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम आरिफ। वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से खत्म कर रही है जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन। वो खुद अपनी कुर्सियां छोड़कर जनता के बीच जाती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं और सारी मामलों को वो त्वरित वहीं से निस्तारित करने को संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी करती हैं। यहाँ जब से जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन जिले के कमान संभाली है, जनता दर्शन में आने वाले जितने भी शिकायतकर्ता हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। इजाफों की संख्या देखते हुए वो खुद अपनी चैम्बर की कुर्सी छोड़कर सीधे जनता के बीच में जाती हैं, बारी बारी करके एक एक लोगों की समस्याओं को सुनती हैं और उसका निराकरण कराती हैं। कृष्णा गोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 बस्ती।